हेलो दोस्तों, तो चलिए इस बार देखते हैं हम इस लेक्चर में एशियन पैरा गेम्स जो इंडोनेशिया में हुए हैं 2018 में। ये थे तीसरे एशियन पैरा गेम्स थे, ठीक है। आपको बता दें ये कॉन्सेप्ट जो इसे पहले फिर FESPIC गेम्स भी बोला जाता था, फेस्पिक 1975 में पहली बार हुए थे ओइटा जापान में। तो ये चले 2006 तक, 2006 में बंद कर दिए, फिर हुए एशियन पैरा गेम्स के नाम से हुए ये 2010 में हॉन्जियो चाइना में फर्स्ट टाइम। आपको बता दें जहाँ एशियन गेम्स होते हैं वहीं एशियन पैरा गेम्स भी होते हैं, दोनों एक ही जगह कराए जाते हैं। सेकंड हुए, दूसरे हुए 2014 में इंचवन साउथ कोरिया में। इसमें इंडिया ने 33 मेडल जीते थे जिसमें 3 गोल्ड, 14 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। थर्ड नंबर के रहे जो ये हुए 2018 में जकार्ता में इंडोनेशिया में, 6 से 13 अक्टूबर तक वह हुए। इस बार बता दें इसमें जकार्ता वाले में थर्ड एशियन पैरा गेम्स में फर्स्ट टाइम भूटान भी शामिल हुआ और फर्स्ट गेम चेस को भी इसमें शामिल किया गया है। और चौथे जो एशियन पैरा गेम्स होंगे ये हांजो चाइना में होंगे, और पांच पे होंगे जो 2026 में ये नगोया जापान में होंगे। इस बार के जो इंडोनेशिया में हुए थर्ड नंबर के, इसमें देखते हैं सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी रही है गिलोरा बंग कार्नो मैन स्टेडियम में, और इसकी सेरेमनी की थी जोकोवो विडोडो, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडोनेशिया के हैं। क्लोजिंग सेरेमनी रही है जो ये रही है गेलोरा वंग कार्नो मध्य स्टेडियम में, इसमें मजीद रशीद ये प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन पैरालंपिक ओलंपिक कमेटी के हैं। इस बार बता दें आपको कि 43 देशों ने भाग लिया है, 512 इवेंट हुए हैं 18 स्पोर्ट में, ठीक है। टॉर्च लाइटर रहे हैं जेंदो पांगाबान वैन, ठीक है, बी एन। मोटो रहा है इसका द इंस्पायरिंग स्पिरिट एंड एनर्जी ऑफ एशिया। एम्बलेन देख लेते हैं, हार्मनी एनर्जी ऑफ एशिया रहा है। मॉस्कोट देख लेते हैं, वर्नडॉल ईगल मोमो आइकन ऑफ जकार्ता, जकार्ता का ही राज्य चिन्ह है। इस बार इवेंट सॉन्ग 6 थे, इसमें थीम था इसका सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। इस बार कुछ गेम्स हटाए गए हैं इसमें से, रोइंग स्वाइलिंग 5 एंड 7 ए साइड फुटबॉल, व्हील चेयर डांस स्पोर्ट, व्हील चेयर रग्बी, ठीक है। आपको बता दें मिलके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने यूनिफाइड टीम रही है, इसने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता है जिन कंट्री ने, उनके नाम देख लेते हैं, फिलीपिन कुवैत लाओस ईस्ट टीमर, इन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता है इसमें। मेडल टेबल देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट फर्स्ट पर आया गोल्ड मेडल देख लेते हैं, मेडल देख लेते हैं कौन टेबल, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आया चाइना, और 3 बार से ये टॉप 3 पर चल रहा है, ठीक है। 319 मेडल जीते हैं इसने, 172 गोल्ड रहे, 88 ये जो सिल्वर रहे, 59 ब्रॉन्ज रहे। सेकंड नंबर पर आया साउथ कोरिया, इसने 144 जीते हैं जिसमें से 53 गोल्ड, 45 सिल्वर, 46 ब्रॉन्ज। थर्ड नंबर पर आया हमारा ईरान, 136, 51 गोल्ड, 42 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज। चौथे नंबर पर आया जापान, 198, इसने 45 गोल्ड जीते हैं, 70 सिल्वर, 83 ब्रॉन्ज। आपको बता दें जो देश गोल्ड ज्यादा जीतता है उसे पहले नंबर पर उससे पहले रखा जाता है। पांचवें नंबर पर आया इंडोनेशिया,
135 मेडल जीते हैं, 37 गोल्ड, 47 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज। अब इंडिया के देखते हैं, इंडिया रहा है 9वें नंबर पे। आपको मालूम होना चाहिए एशियन गेम्स में रहा 8वें नंबर पे और एशियन पैरा गेम्स में रहा 9 नंबर पे। इसमें एथलीट्स मतलब 190 गए थे। फ्लैग बियर रहे हैं ओपनियन ओपनियन सेरेमनी में नहीं, मेरी अपन थेंग वेलू, ये तमिलनाडु के। इसमें 72 मेडल जीते हैं, 15 गोल्ड जीते हैं, 24 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज। गोल्ड अब देख लेते हैं किसने किसने जीता है 15 गोल्ड। संदीप चौधरी जी मेंस जेवलिंग थ्रो में रहे। दूसरा है सुवास यादव, ये महाराष्ट्र के हैं, मेंस वाटरफ्लाई में जीता है 50 मीटर। अगले हैं हमारे राजू रक्षिता, ये कर्नाटक के हैं, वोमेन में 1500 मीटर पैरा एथलीट्स हैं। एकता वियान ये हरियाणा की है, वोमेन में क्लब थ्रो में जीता है। मनीष नरवल ये मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है इन्होंने। नारायण ठाकुर इन्होंने मेंस 100 मीटर 35 में जीता है। संदीप चौधरी मेंस जेवलिंग में जीता है थ्रो में। हरविंदर सिंह अर्चरी में जीता है इन्होंने। शरद कुमार हाई जंप में जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। पारुल परमार बैडमिंटन में जीता है इन्होंने। किशन गांगुली चेस में जीता है, पहली बार चेस को शामिल किया गया था पैरा एथलीट गेम एशियन गेम्स में, इसे याद रखिएगा, किशन गांगुली। जेनिथा एंटो केनिकल केनिकल चेस में जीता है इन्होंने भी। नीरज यादव जेवलिंग थ्रो में जीता है। अमित सरोवा क्लब थ्रो में जीता है इन्होंने। तरुण इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। प्रमोद भगत इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। चलिए दोस्तों, तो हमने एशियन पैरा गेम्स भी देख लिए।